सांप रहा था पाकिस्तान। जनरल बाजवा और कुरैशी आपस में बात कर रहे थे, पांव उनके कांप रहे थे, चेहरे पर पसीना था, माथे के पसीने के और बल के कारण ही अभिनंदन की घर वापसी हुई थी। और इसी पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का ये सच जो दुनिया जाने और दुनिया के सामने आ चुका है, इसी पर चर्चा हम करेंगे। यासर जलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता, दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ हैं और साथ ही साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेजर अली, आज की ये तस्वीरें गर्व से सीने को चौड़ा भी करती हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान में रीढ़ नहीं है, ये बात भी एक बार फिर से साबित हो गई। पाकिस्तान सिर्फ गीदड़ भभकी देना जानता है, असल में ताकत उसमें है नहीं, हिम्मत और जज्बा है नहीं। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। पिछले साल का वाकया पूरे देश को अच्छे से याद है और विंग कमांडर अभिनंदन के वीडियो और फोटो भी अच्छे से याद है कि माथे पे ना ही कोई शिकंज, ना ही कोई डर, ना ही कोई घबराहट, सिर्फ एक ही चीज उनकी जबान पे थी, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। और आप ही, जी हाँ बिल्कुल, आप उस टाइम पे एंकरिंग कर रही थी और उस वक्त मैं हिंदुस्तान के हर एक चैनल पे आके इसके बारे में मैं बोल रहा था उस टाइम पे। भाई ये है, हमको ये बात तब भी मालूम थी, उसके बाद ही मालूम थी और अब तो ये बात साबित हो गई है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, फॉर्मली ऑफिशियल हो गया है। जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनके पार्लियामेंट में कहा था खुदा के वास्ते इनको जाने दो, 9 बजे हिंदुस्तान हम पे हमला कर देगा, तो जाहिर सी बात है ये उनका डर था, ये पाकिस्तान घबरा रहा था उस टाइम से, लेकिन उन्होंने वही डर अपने एडवांटेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करी ये बोल के कि वो एक गुडविल जेस्चर था हमारी तरफ से, हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे, लेकिन जी नहीं, वो लोग घबरा गए थे, वो लोग डर गए थे। और उसी डर को कवर अप करने के लिए उनको छोड़, उनके पास मजबूरी, उनके पास चॉइस ही क्या थी, कोई चॉइस भी, वैसे भी अगर जिनेवा कन्वेंशन के तहत हम देखे जाए, अगर उसके उसको प्रॉपर स्टडी करें तो हमें मालूम पड़ेगा प्रिजनर ऑफ वॉर को वैसे ही छोड़ा जा सकता है। 1971 की युद्ध के बाद हमने 95,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर पाकिस्तान के लिए थे और हमने उनको सम्मान के प्रति वापस करा, उन्होंने हमारे 56 प्रिजनर्स ऑफ वॉर लिए थे, ठीक है, और आज तक उन 56 प्रिजनर्स ऑफ वॉर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। कोई कहते हैं अभी तक वो पाकिस्तानी डिटेंशन कैंप में रह रहे हैं, कोई कह रहा है कोई वहीं पे मर गए। रेड क्रॉस सोसाइटी, यूएन की टीम्स आके उनके जेलों को इंस्पेक्शन कर गई, फिर भी कुछ मालूम नहीं पड़ा। अब पाकिस्तान कितनी भी शातिर चालें चढ़ ले, लेकिन अगर वो शातिर है, हम उनसे ज्यादा शातिर हैं और हम मौजूद हैं। मेजर शाह, जिस तरीके से पाकिस्तान बेपर्दा हुआ है, अब बेपर्दा तो वो पाकिस्तान के खुद के हालातों पर भी हो रहा है। पाकिस्तान में जो फिलहाल सियासी माहौल बिगड़ा हुआ है, इमरान खान के खिलाफ लगातार सड़कों पर लोग हैं, वहां की सेना है, पूरा विपक्ष है, आम लोग हैं, पाकिस्तान बेपर्दा हुआ है, इमरान खान अच्छे नेता नहीं है ये बार बार पाकिस्तान कह रहा है, और इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए कि पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हमें मोदी जैसा नेता चाहिए। जी देखिए, पाकिस्तान जो है अपने ही कब्र खुद खोद रहा है, अंग्रेजी में कहेंगे द हेडिंग फॉर देयर ओन डूम्सडे। अब आप देख लीजिए, कर्जे में डूबा हुआ है पाकिस्तान, FATF में ग्रे एरिया में आ गया था, ब्लैक लिस्ट होते होते मतलब शायद ब्लैक लिस्ट भी हो जाए, क्या पता, पता नहीं। उसके अलावा यूएस ने, अमेरिका ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया है, प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि हम इनको पैसे दें और ये अफगानिस्तान में हमारी सेना को वहां पे शहीद करें, हम ये कतई नहीं होने देंगे। पाकिस्तान अभी हिंदुस्तान में मिलिट्री एक्शन तो ले नहीं सकता, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, वो घुसपैठियों को ट्रेन करके सिविल ड्रेस में उनको हिंदुस्तान भेज रहा है उग्रवाद फैलाने के लिए, मगर वो जानते नहीं है कि वो किनसे पंगा ले रहे हैं। हम उनको ऐसा मुंहतोड़ जवाब देंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमने नहीं शुरू की थी, बट वी विल ब्लडी वेल फिनिश इट। ये उरी फिल्म में भी बोला गया है, हिंदुस्तान एक पीस लविंग नेशन है, सब ये बात जानते हैं, और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अब इमरान खान, अब 2 दिन पहले देख लीजिए, इमरान खान का कौन होते हैं कि मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर हैं, उनको खत लिख के कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है भैया, ये हमारा इंटरनल मामला है, हम समझा लेंगे, आप अपने घर को संभाल नहीं पा रहे, दूसरों के मुल्क पे झाके देख रहे हो, तभी तो संभाल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप दूसरों के मुल्क पे क्या चल रहा है उसमें ज्यादा रुचि रख रहे हो, अरे अपने मुल्क को समझा लो। मेरा ख्याल से इमरान खान साहब क्रिकेटर ही अच्छे होते, जब वो क्रिकेट खेल रहे होते, वो स्पोर्ट्समैन जब होते तब,
अब देखिए, जब इमरान खान जब कैप्टन थे, उनके टीम के विकेट कीपर जो थे उनके खुद के भांजे दानिश कनेरिया, उनके साथ हुआ पाकिस्तान में जुल्म हुआ, तभी उन्होंने अपने अगले पीढ़ी का नाम रखा दानिश, जो कि बहुत ही मुसलमान साउंडिंग नेम है, दानिश कनेरिया। अब दानिश कनेरिया ने खुद तकरीबन एक साल पहले कहा था कि उनके साथ पाकिस्तान में तासब हो रहा है, उनके साथ जुल्म हो रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, अब हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं है। उन्होंने साफ कहते हैं, वो साफ कहते हैं वहां पे बहुत ही बायकॉटेड सोसाइटी है, वहां पे तासब होता है और वो अपने ही डूम्सडे के लिए जा रहे हैं वापस। अब रही बात, एक मिनट, एक आपसे मैं बहुत टाइम ले लिया जानता हूँ, आपसे बस 20 सेकंड और लूंगा। पाकिस्तान में बहुत डिवर्स सोसाइटी है, उनमें एकता नहीं है। आर्मी उनके आईजी को ढाके ले आ रही है, सिविल वॉर हो रहा है, आर्मी पुलिस पे गोलियां मार रही है, पुलिस आर्मी पे गोलियां मार रही है। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन जैसा देश भी मिस करता है जो हिंदुस्तान की सेना करती है, जो हिंदुस्तान के नेता कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। यासर जिलानी सर, जिस तरीके से मोदी ने देश का नेतृत्व किया है, मोदी ने देश की सेना पर ध्यान दिया, फ्री हैंड दे दिया, सेना के खर्च को पहले से कई गुना बढ़ा दिया, अगर गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसके बाद खुद लेह में जाकर, खुद लद्दाख में जाकर सेना का मनोबल बढ़ाने का काम, इसीलिए इतने लोकप्रिय हैं मोदी, इसीलिए पड़ोसी दुश्मन देश भी ये चाहते हैं कि मोदी जैसे नेता तो भैया हमें भी मिल जाए। देखिए, अभी मेजर मोहम्मद अली शाह जो हमारे पैनलिस्ट हैं, बेहद तफसीर से उन्होंने पाकिस्तान की जो एक काला चेहरा है वो सामने रखा है। की बात करते, मेजर साहब ने बड़ी अच्छी बात करी, पाकिस्तान अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान नंगा देश है, क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा, पाकिस्तान की कोई औकात